हे भगवान, आप पुरुष भूषण हैं, आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के लायक हो रही हो और पति रूप में आपका वर्णन करना चाहे। इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ और संतों ने निकाला, वो ये है कि आप भी जब अपने बेटे का विवाह करने को जाते हो तो आपके घर में जो दूसरे की बेटी बहू बन के आ रही है उसके अंदर ये तीन गुण होने चाहिए जो माता रुक्मिणी के अंदर हैं। क्या क्या है माता रुक्मिणी के अंदर? धीरा पतिम कुलवती, मैया कुलवती है, कुल बढ़िया है, गुणवती है। आज बच्चे बहुत पढ़े हुए होते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर गुण भी तो होना चाहिए, सहनशीलता का गुण हो, सौम्यता का, मुस्कुराते हुए बच्चे, मुंह लटके हुए होते हैं। अब जो विवाह होता है या आफत और आ गई है, हाँ ऐसी स्त्री को कहते हैं घर घेरो, घर में आ गई है, घर घेरो। हंसी नहीं आएगी उसको, मुस्कुराएगी नहीं, बैठेगी नहीं, बात नहीं करेगी। अरे मुस्कुराते हुए 24 घंटे में से कुछ देर तो अपनी सासू माँ के पास बैठी है, मुस्कुराइए, हंसी है, वो भी खुश हो गई। डुकरिया 10 साल ज्यादा चल लेगी। भाई लड़ाकू बहू आ गई तो फिर तो लकड़ियां इकट्ठी करो और क्या है, तो डुकरिया 10 साल ज्यादा जिए, तो उसके लिए तो आप मुस्कुराते हुए रहिए, उनके पास बैठिए। और सच में ये बूढ़ी माताएं उतनी बुरी नहीं है जितना का फरमान जारी कर दिया है, इतना बड़ा प्रचार किया है बेचारी सासुओं का, बेचारी गलीचा बिछावे तो भी उसको बढ़ाई नहीं मिलती, पता नहीं क्या हुआ है। एक दो बहन मुझे भवानी मंडी पड़ती है राजस्थान में, वो कहती है आप जानते हैं सासू का अर्थ क्या है, सास का अर्थ क्या है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो वो बोलती है जो बहू को श्वास भी न लेने दे इसलिए उसका नाम सास है, तो बोलती है। एक कोई बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी, रोडवेज सड़क रोडवेज गाड़ी पकड़ करके वो अपने पापा के पास पहुंच गई। उसका पापा वैद्य था और जाकर के बोली मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी, मेरी नाक में दम कर रखी है और नहीं तो फिर ऐसी कोई दवाई दे दो वो जल्दी मर जाए। पापा वैद्य था, पिताजी ने कहा बेटा पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, कहा मैं जेल में रह लूंगी पर डुकरिया के यहां नहीं रहूंगी। पापा समझाए, बहुत ज्यादा समझाए, वो ना माने कैसे भी, तो पापा ने एक पुड़िया बना करके दे दी दवाई की, कहा दूध में डाल करके पिला देना, वो गर्म पानी में डाल करके पिला देना, उसको बोल दिया। तो वो बोली कि कितने दिन में मर जाएगी? 8 दिन में मर जाएगी। कहा बेटा 8 दिन में तो नहीं मरेगी लेकिन 6 महीने में जरूर मर जाएगी। कहा नहीं, 3 दिन वाली दवाई दो। पापा ने कहा कि बेटा शक हो जाएगी, मैंने 6 महीने वाली दी है कि लोगों को शक भी ना हो पावे और 6 महीने में उसका खेल काम हो जाएगा, चलो और 6 महीना कष्ट भोग लूंगी। तो पापा इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। हाँ बेटा एक काम करना पड़ेगा। क्या? थोड़ा अब 6 महीने की तो वो मेहमान ही, 6 महीने के बाद तो उसको मरना ही होगा, थोड़ा उसको हलवा बना बना के देते रहना, खीर पूड़ी बना करके देते रहना, थोड़ा नहाने के लिए गर्म पानी रखते देना। 6 महीने के बाद तो बेटा तेरा ही राज्य होगा, थोड़ा उसके पामों की तलवों की सेवा वेवा भी करते रहना तो पोल नहीं खुलेगी। अगल बगल के लोग कहेंगे कि डुकरिया अपने आप मरी है, उसकी तो बहू बहुत सेवा करती रही, राजी हो गई। ऐसे लोगों का दिमाग बदलने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पुड़िया लेकर के आई, उसने मौका देखा और डोकरी को गर्म पानी में उसने घोल करके दे। अब अंदर से करास तो थी कि कहीं पहले ही ना मर जाए, और आफत दिक्कत हो जाए, अब तो पाम दबावे, बढ़िया सा हलवा बना करके देवे। डोकरी को लगा कि जब से ये पियर गई है तब से बिल्कुल बदल गई है, इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा, कभी कभी तो उस बूढ़ी माता की सासू की आंख में आंसू आ गया। 1.5 महीना हो गया इस बात को सेवा करते करते, परांठा देवे, कपड़ा भी धो धा करके दे रख दे, गर्म पानी भी रख दे, अब तो डुकरिया ये समझ लो भारी खुश हो गई उसके ऊपर।
एक दिन उसने अपने भाई को फोन किया पियर में, उसने पूछा दीदी कैसे हो। कहा दीदी के तो राम के राज है, मुझे तो ऐसी बढ़िया बहू मिली है, हे परमात्मा ये तो दुश्मन को भी ऐसी बहू मिले। मेरी बहू इतनी बढ़िया है, नहाने से पहले पानी भर देती है गरम करके, पराठा बनाती है मूली के, कभी मेथी के, मुरब्बा का ध्यान रखती है, मेरी जैसी तो बहू किसी के पास है ही नहीं। और ये कोरे से खड़ी खड़ी सुन रही थी पूरी बातें बहू। ये बहुएं बड़ी होशियार हैं, डोकरिया कहां बात कर रही है पूरी कान लगा के रखती है, लेकिन डोकरी भी पूरा ध्यान रखती है कि बात कहां कर रही है, वो भी कम नहीं है। तो उसने जब अपनी बड़ाई सुनी तो उसकी तो आंख में आंसू आ गए। 4 महीना, 5 महीना, छठवां महीना चल रहा था और सेवा चलती रही, वो मरने वाली तारीख नजदीक आ रही थी। एक दिन की बात, उस बूढ़ी पहले मास्टर नहीं रही थी उसे, तो उसने पूरी चेकबुक पैसा वैसा जेवर वेवर जो था वो सब दे दिया बहू। कहा बेटा तूने हमारे मन को ऐसा जीत लिया है, क्या करूंगी ये मैं जेवर, ये सब तेरा है, ये पूरी चेकबुक पासबुक ये सब तेरा है। बेटा तू दूधन नहावे, तेरे बच्चे पूतन फले, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने जीवन में जो भी कुछ अच्छा किया हो वो सब तुझे लग जावे। शब्द सुनते ही रो पड़ी बहू, चरण पकड़ लिए। 2 दिन कम रह गए थे वो 6 महीने वाली डेट में। अब परेशान छाती धुक 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 करेगा, 2 ही दिन रह गए हैं, मेरी मां मर जाएगी। और उसने बस पकड़ी और बिना कहे पापा के पास पहुंच गई। 1 ही दिन बकाया था। कहा पापा सगरी गलती मेरी थी, मेरी सासू माँ की कोई गलती नहीं, मैं प्रार्थना करते हूँ कैसे भी मेरी माँ को बचा लो, कैसे भी मेरी माँ को बचा लो, कल तक तो मेरी माँ खत्म हो जाएगी क्योंकि 1 ही दिन बकाया है। बेद था पिता, उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने कहा था बेटी मुझे पता था कि 6 महीने के बाद यही होगा, तो मैंने भी सल्फास नहीं दी थी पुड़िया में, मैंने भी अजवाइन का चूर्ण दे दिया था। ये समझदार पिता के काम है, बिना समझदार होता तो लाठी लेके पहुंच जाता खोपड़ी फोड़ने के लिए। अपनी बेटियों का घर बसाना चाहते हो तो ऐसा करो, सल्फास नहीं अजवाइन का चूर्ण ये करो। भगवान की बड़ी कृपा, कल विवाह पद्धति में आप सुन रहे थे बड़े पुण्यों के द्वारा सासू ससुर मिलते, इनकी सेवा। नारी के अंदर 3 गुण हो, एक कुल, एक धैर्य और एक गुण। आज बेटियां ससुराल जाते ही परिवार को बदलना चाहती हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सामने वाला कितना भी अकड़ू हो, यदि हम विनम्र हैं तो उसको झुका देंगे। भगवान परशुराम को प्रभु श्री राम जी ने क्या झुका नहीं दिया था, विनम्रता राम की देखिए, रो पड़े थे परशुराम भगवान और अपनी कलाएं राम को सौंप करके चले गए थे। विनम्र बनने की जरूरत है। क्या अद्भुत श्लोक है, जो आज बहू है वो कल सास भी तो बनेगी, यह भी तो ध्यान रखिए। प्रकृति का बड़ा न्याय है, वो तो जैसे को तैसा है। आप आनंदित मग्न रहना चाहते हैं तो अपने इन वृद्धों की आंख में आंसू मत आने देना, इनको दुखित मत होने देना।